अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं चौधरी मोहम्मद शफीक। आईसीएस सेकंड पार्ट के साथ इसमें हमने सी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को क्लियर करना है। आज का हमारा प्रोग्राम नंबर है 9.4। इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने एक इंडिविजुअल वेरिएबल पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट अप्लाई करना है और देखना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इसके लिए हम प्रोग्राम तैयार करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम नंबर है 9.4। उसके बाद void main फंक्शन, यहाँ से ये फंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसमें हमने चार वेरिएबल लेने हैं, कोई भी आप चार वेरिएबल ले सकते हैं, ए बी सी डी ले सकते हैं या कोई डिफरेंट आप एक्स वाई ले सकते हैं। ए को कोई वैल्यू आप दे सकते हैं, मैं इसको ज़ीरो दे देता हूँ। बी को भी आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, मैं इसको भी ज़ीरो दे देता हूँ। अब मैं ए पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगाता हूँ, यानी जब कोई भी वेरिएबल आपके पास हो और उस पर आप डबल प्लस पहले लगाएं तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। इससे ए की जो भी वैल्यू होगी उसमें ए का इजाफा हो जाएगा, और आप ए उस वेरिएबल के बाद में लगाएं डबल प्लस तो उसको कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। इससे भी जो ए की वैल्यू होगी वो भी उसमें भी ए का इजाफा हो जाएगा। तो हम ए पे हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगा देते हैं, बी पे हम और ए पे प्रीफिक्स हम इंक्रीमेंट लगाते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो हम एक्स को दे देते हैं। पहले हम प्रीफिक्स इंडिविजुअल वेरिएबल पे हम जाएंगे, ए एक इंडिविजुअल वेरिएबल, उस पर हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगाएंगे, उसकी जो वैल्यू है वो हम एक्स को असाइन कर देते हैं, एक्स इक्वल टू ए। इसी तरह जो हमारा बी है उसमें हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट लगाएंगे, यानी डबल प्लस बाद में लगाएंगे, और फिर उसको हम वाई को असाइन कर देंगे। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। अब हमें ए और बी की तो वैल्यू का हमें पहले ही पता है कि इसकी भी ज़ीरो है बी की भी, इसको प्रिंट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम देखना चाहते हैं कि ए पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगा था तो वो हमने एक्स को वो दे दिया वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगा, तो क्या एक्स की वैल्यू कितनी हुई, और बी पे हमने लगाया था पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और फिर वो हमने वाई को दे दी, और देखते हैं कि वाई की वैल्यू कितनी हुई। तो हम उसके लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट एफ x इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफ परसेंट डी एन बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन पे, और x की वैल्यू हमने प्रिंट करनी, इसलिए यहाँ डबल कोट्स x इक्वल टू परसेंट डी बैक स्लैश एन डबल कोट्स सिंगल कोट्स x। इसी तरह हम y को भी प्रिंट कर लेते हैं, y इक्वल टू परसेंट डी y और गेट फंक्शन स्क्रीन को रोकने के लिए, और ये हमारा प्रोग्राम क्लोज। तो इसका जो आउटपुट बनेगा, आउटपुट स्क्रीन पे जो आएगा वो x इक्वल टू ये मैसेज आएगा, और x की वैल्यू ए की वैल्यू ज़ीरो है और उस पर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगा तो उसकी वैल्यू में एक इजाफा होगा, यानी वो वन हो जाएगी, फिर वो वन एक्स को मिलेगा तो एक्स भी वन हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू मतलब वन आएगी। और नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ जो बी है वो भी ज़ीरो था, उस पर हमने लगाया था पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, इंडिविजुअल वेरिएबल पर आप प्रीफिक्स लगाएं या पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट लगाएं,
दोनों सूत्र में एक का इजाफा होगा, तो बी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। फिर वो वाई को मिलेगी, तो वाई भी आपका इक्वल टू 1 डिस्प्ले होगा। तो ये आपका आउटपुट है। देखिए, इससे साबित हुआ कि आप किसी भी इंडिविजुअल वेरिएबल पे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगाएं या पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट लगाएं, दोनों सूरतों में एक का इजाफा होगा। ठीक है, तो ये था इसका रिजल्ट। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।